जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक यादव फ्रॉम यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेयर। अभी तक हम बात कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्री में साइन कन्वेंशन के ऊपर, ठीक है। जब हम 90 से और 0 के बीच में कोई भी एंगल लेते थे, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट सिस्टम हमने पिछले लेक्चर में बताया, ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर नंबर 2, ठीक है, साइन कन्वेंशन, तो वहां पे हमने 4 क्वाड्रेंट लिया था, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 और 4। यहां पे हम साइन कन्वेंशन के बारे में बता रहे थे आपको। अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल आ रहा है, कोई भी एंगल, मान लीजिए ये हमारा थीटा आ रहा है, तो यहां पे हमारा साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, कैसे क्या है, उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था। और सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे क्या है, π/2 + थीटा, π + थीटा, ठीक है, 3π/2 + थीटा, ऐसे हमने इसके बारे में, साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद इस लेक्चर में हम कुछ स्पेशल एंगल पे, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एंगल पे उसके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को निकालेंगे, ठीक है। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट सम स्पेशल स्पेसिफिक एंगल या फिर स्पेशल एंगल, ठीक है। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम स्पेसिफिक एंगल, तो ये टेबल आप देख रहे हैं, ठीक है, ये टेबल आप जानते हो, पढ़े हो इसके बारे में। हमारे पास साइन 0 = 0, साइन π/6 = 1/2, साइन π/4 यानी 45 डिग्री = 1/√2, ऐसे ही कॉस 0 डिग्री = 1, कॉस π/6 यानी कॉस 30 डिग्री = √3/2, ठीक है। ये सब वैल्यूज आप पढ़े हो, मे बी आपको याद भी हो, ठीक है, मे बी नहीं, आपको याद ही होगा ये चीज, ठीक है। यहां तक आप, कुछ लोग यहां तक पढ़े होंगे और मैक्सिमम सब लोग यहां तक पढ़े हो, ठीक है। तो ये जो आप पढ़े हो, ये सब वैल्यूज आई कहां से हैं, ठीक है, इन सब वैल्यूज को आज हम निकालेंगे, ठीक है। तो टेबल को पहले आप लिख लीजिए कॉपी पे, ठीक है। इसके बाद मैं इसको रब करने जा रहा हूं, रब करके आपको ये सब वैल्यूज कहां से आई, कैसे आई, इसके बारे में हम आपको डिटेल में समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर नंबर 3। यहां पे हम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम स्पेसिफिक एंगल पे बात करेंगे, ठीक है। जीरो डिग्री पे, ठीक है, एंगल 0 डिग्री पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो 0 डिग्री पे हमारे पास जो ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री हम जो लेते हैं वो साइन, ठीक, साइन, कॉस, टैन, ये सब तो आपको जानकारी हो गया है, 2 लेक्चर आप उसके बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो 0 डिग्री की वैल्यू हम निकालेंगे, उसको कैसे निकालेंगे, आप एक एंगल बनाइए, ठीक है, आप एक एंगल बनाइए 0 डिग्री का, यानी कि वहां से कोई भी कुछ भी सब्टेंड नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास 0, यहां से, ठीक है, यहां से आप जब भी हम एंगल बनाते हैं थीटा, तो थीटा को हम ऐसे उठाते हैं, कुछ भी एंगल थीटा बनता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां से छूओगे नहीं इसको, मतलब कि यहीं पे छोड़ दोगे ये चीज, तो ये आपका 0 डिग्री एक तरह से एंगल बना रहा है, ठीक है, ये आपका 0 डिग्री बना रहा है। एक हम ऐसे ही प्रीव्यू देते हैं, मान लीजिए ये हमने उठा लिया, ठीक है, हमने ये उठा लिया, ठीक है, ये उठा लिया, ये एंगल 0 डिग्री, ठीक है, ये एंगल हमारा 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब हमने उठाया ही नहीं, एक तरह से आपको प्रीव्यू दे के खोल के दिखा रहे हैं कि कोई भी एंगल जब भी लेते हैं इसको उठा के लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री में ये हमारा जो है, ठीक है,
हाइट जो है हमारा एक तरह से ये जीरो है, हाइट जीरो है, इसका मतलब ये वाला जो चीज है ये हमारा इसी पे ओवरलैप्ड है, ठीक है, इसी पे ओवरलैप्ड है, ये हमारा जीरो डिग्री पे हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे हमारा बेस जो है, बेस ये हमारा 20, बेस जो है यूनिट लेंगे, यूनिट बेस लेंगे, यूनिट बेस मतलब वन, ठीक है, यूनिट बेस वन, और हाइट क्या मिलेगा हमारा, हाइट हमारा जीरो है, ठीक है, हाइट हमारा जीरो है, और हाइपरटेन्यूज क्या होगा, हाइपरटेन्यूज क्या होगा, जब ये हमारा, जब ये हमारा जीरो हो गया तो ये हमारा मतलब कि बेस और हाइपरटेन्यूज दोनों सेम, दोनों तो सेम ही हो जाएगा, बेस और हाइपरटेन्यूज दोनों सेम हो जाएगा, तो हमारे पास हाइपरटेन्यूज भी वन है और बेस भी वन है, और हाइट जो इसकी है वह जीरो है, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर इक्वल्स टू जीरो, बेस इक्वल्स टू यूनिट वन, ठीक है, और हाइपरटेनस इक्वल्स टू वन, बेस के इक्वल, ठीक है। तो यहां से साइन जीरो इक्वल्स टू क्या होगा, साइन जीरो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनस दैट इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, जीरो अपॉन वन दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो कॉस जीरो इक्वल्स टू, कॉस जीरो मतलब बी बाई एच, बेस अपॉन, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज इक्वल्स टू वन अपॉन वन इक्वल्स टू वन, ठीक है। टेन जीरो इक्वल्स टू, टेन जीरो हमारा पी बाई एच, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हमारा जीरो। ऐसे ही कोसेक जीरो इक्वल्स टू, कोसेक जीरो क्या होगा, कोसेक जीरो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, कोसेक, कोसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कि वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो मतलब कि नॉट डिफाइंड, ठीक है। टेबल को चेक करते रहिए, वैल्यूज को देखिए, टेबल को चेक करते रहिए, ठीक। उसके बाद सेक जीरो इक्वल्स टू, सेक जीरो, सेक जीरो मतलब कि बेस अपॉन, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस हमारा वन, बेस हमारा वन, इक्वल्स टू वन। ऐसे ही कॉट जीरो इक्वल्स टू, कॉट जीरो मतलब, कॉट जीरो मतलब हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कि वन अपॉन जीरो दैट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ये हमारा जीरो डिग्री पे, जीरो डिग्री पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आ गए, साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट, ठीक है। ऐसे ही हम, ऐसे ही हम 30 डिग्री यानी पाई बाई सिक्स पे बात करते हैं, ठीक है। पाई बाई सिक्स, ठीक है, तो पाई बाई सिक्स के लिए यहीं पे हम पाई बाई सिक्स और पाई बाई थ्री, ठीक है, पाई बाई सिक्स और पाई बाई थ्री दोनों की यहीं पे बात कर लेते हैं। आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए, ठीक है, आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए, वहां पे जीरो डिग्री पे हम यूनिट डिस्टेंस ले रहे थे, आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए जिसका, जिसका साइड यूनिट हो, ठीक है, जिसका साइड यूनिट मतलब वन, ठीक है, जिसका साइड वन हो। यहां पे लेते हैं, ये हमारा वन है, ये हमारा वन है, ये हमारा वन है, ठीक है, वन है हमारा ए बी सी एक ट्रायंगल है और हर एक साइड यूनिट मतलब वन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक, परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद ये हमारा 90 डिग्री बना, ठीक है, 90 डिग्री बना। जब हमारा ये इक्विलेटरल है तो ये हमारा 60 डिग्री यानी पाई बाई थ्री है, ये भी हमारा पाई बाई थ्री है, ठीक, ये टोटल हमारा, ये टोटल हमारा पाई बाई थ्री है, ठीक है, ये टोटल हमारा पाई बाई थ्री है, तो ये कितना होगा, ये हमारा पाई बाई सिक्स होगा,
होगा ना भाई, होगा ना भाई। पाई बाई थ्री टोटल है, तो ये हमारा आधा उसका कितना होगा, पाई बाई सिक्स ही होगा ना, 30 डिग्री होगा। टोटल 60 है तो ये हमारा 30 डिग्री मतलब पाई बाई सिक्स। ठीक है, तो जब ये हमारा 1 था और हमने परपेंडिकुलर ले लिया, तो ये आधा कितना हुआ, यहां से ये हमारा d मान लीजिए, यहां से यहां हमारा 1 बाई टू हो गया। ठीक है, 1 बाई टू हो गया, तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मिलेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। ठीक, ये मिलेगा। इसके बाद ए सी स्क्वायर मतलब कि 1 माइनस 1 बाई फोर इक्वल्स टू 3 बाई फोर। तो एडी हमारे पास, एडी हमारे पास क्या मिलेगा यहां से, एडी इक्वल्स टू, एडी इक्वल्स टू अंडर रूट 3 बाई टू। ठीक है, एडी इक्वल्स टू अंडर रूट 3 बाई टू। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को निकालते हैं पाई बाई सिक्स पे, पहले हम पाई बाई सिक्स की बात कर रहे हैं 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां से साइन पाई बाई सिक्स इक्वल्स टू इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डी सी और हाइपोटेनस ए सी, तो डी सी अपॉन ए सी, डी सी हमारा 1 बाई टू अपॉन 1, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई टू। कॉस पाई बाई सिक्स इक्वल्स टू कॉस पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स के रिस्पेक्ट में बेस हमारा ए डी और हाइपोटेनस ए सी, तो अंडर रूट 3 बाई टू अपॉन 1, अंडर रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 3 बाई टू। ऐसे ही tan tan पाई बाई सिक्स इक्वल्स टू tan पाई बाई सिक्स इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये और बेस ये, तो 1 अपॉन 2 अपॉन रूट 3 बाई टू। ठीक है, तो 1 बाई टू अपॉन अंडर रूट 3 बाई टू, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट 3। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही आप कोसेक सेक और कॉट, ठीक है, कोसेक सेक और कॉट आप वो देख लीजिए, टेबल देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारा कोसेक क्या होता है, साइन 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कोसेक हमारा 1 अपॉन साइन थीटा, तो कोसेक कोसेक पाई बाई सिक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन पाई बाई सिक्स, दिस इज दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 बाई टू, दैट इज इक्वल्स टू 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो कोसेक पाई बाई सिक्स इक्वल्स टू 2। यहां देखिए कोसेक पाई बाई सिक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन पाई बाई सिक्स मतलब कि 1 अपॉन 1 बाई टू। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 2। और यहां से भी देख लीजिए, यहां से भी देख लीजिए, कोसेक पाई बाई सिक्स मतलब कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस हमारा 1, ठीक है, ए सी अपॉन डी सी 1 बाई टू, तो यहां पे 1 अपॉन 1 बाई टू। ठीक है, 1 अपॉन 1 बाई टू। ऐसे ही सेक पाई बाई सिक्स इक्वल्स टू सेक पाई बाई सिक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 बाई टू, दैट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, ऐसे ही कॉट पाई बाई सिक्स इक्वल्स टू कॉट पाई बाई सिक्स इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो अंडर रूट 3 बाई 2 अपॉन 1 बाई टू, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3। ठीक है, या फिर कॉट पाई बाई सिक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन पाई बाई सिक्स। ठीक है, दोनों तरह से आप निकाल सकते हो। सेम इसी तरह से हम पाई बाई थ्री यानी 60 डिग्री पे बात करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इसको पॉज करके। साइन पाई बाई थ्री इक्वल्स टू साइन पाई बाई थ्री, हमारा पाई बाई थ्री ये है, तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर क्या मिलेगा, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हमारा रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू, और हाइपोटेनस 1 है ही, तो अंडर रूट 3 बाई टू अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई टू। कॉस पाई बाई थ्री
इक्वल्स टू बेस अपान हाइपोटेनस 1/2/1 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 और टेन पाई बाय 3 इक्वल्स टू टेन पाई बाय 3 मतलब कि परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपान बेस या फिर साइन बाय कॉस या फिर परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये हमारा अंडर रूट 3/2/1/2 दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3। आप यहां से भी कर सकते हो साइन साइन पाई बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2 ये हो गया और कॉस पाई बाय 3 1/2 और ये हमारा कॉस पाई बाय 3, ठीक है, तो ये हमारा अंडर रूट 3। ऐसे ही कोसेक पाई बाय 3 इक्वल्स टू कोसेक पाई बाय 3 मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 1/√3/2 या फिर 1/sin π/3, कोसेक पाई बाय 3 इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर या फिर कोसेक पाई बाय 3 इक्वल्स टू 1/sin π/3 दैट इज इक्वल्स टू 2/√3 sec पाई बाय 3 इक्वल्स टू 1/1/2 दैट इज इक्वल्स टू 2 और cot पाई बाय 3 इक्वल्स टू cot पाई बाय 3 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 1/2 अपॉन अंडर रूट 3/2 ये हमारा हो जाएगा 1/√3, ठीक है, और sec मतलब कि 1/ ये, ठीक है, ये हमने निकाल दिया पाई बाय 6 और पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री और 30 डिग्री पे हमने निकाल लिया। अब हम बात करेंगे 45 डिग्री पे, ठीक है, अब हम बात करेंगे 45 डिग्री की, ठीक है, देखते हैं 45 डिग्री भाई कैसे निकलता है। ये हमारा तीसरा है एंगल पाई बाई 4 पे, ठीक है, पाई बाई 4 पे हमारा 45 डिग्री है और हमारा 45 डिग्री कब बनता है, ठीक है, मान लीजिए ये है, ठीक, छोटा बन गया और बड़ा बना दो, लो भाई बड़ा बना देते हैं अब, ठीक है, खुश, चलो देखो मान लेते हैं यहां से हमने सबटेंड कर दिया 45, ठीक है, उसको भी जो हम पाई बाई 3 और पाई बाई 6 यहां से ऐसे भी हो जाएगा वैसे भी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने कर दिया और ये हमारा 90, ठीक, ये हमने परपेंडिकुलर 45 के रिस्पेक्ट में ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर ये 90 है ये 45 है यानी इसका मतलब ये भी हमारा 45 होगा, ठीक है, ये हमारा 45 है ये हमारा 90 है इसका मतलब ये भी 45 होगा। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमारा यूनिट है अगर 1 तो ये भी हमारा 1 ही होगा, ठीक, क्योंकि एंगल सेम है तो साइड भी सेम होगा, ठीक है, और हाइपोटेनस क्या होगा हमारा, हाइपोटेनस मान लीजिए ये ओ ए बी है तो ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1+1 दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर रूट 2 आएगा। यहां से आप साइन निकालिए, साइन पाई बाई 4 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/ अंडर रूट 2 कॉस पाई बाई 4 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/ अंडर रूट 2 टेन पाई बाई 4 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल्स टू 1 कोसेक
पाई बाई फोर इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल्स टू रूट टू बाई वन, ठीक। फिर सेक पाई बाई फोर इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन बेस रूट टू बाई वन, ऐसे ही कॉट पाई बाई फोर इक्वल्स टू कॉट पाई बाई फोर इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज इक्वल्स टू वन। ये हमारा पाई बाई फोर पे बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं, समझ में आ रहा है भाई? आ रहा है समझ में? नहीं समझ में आ रहा है तो बोलना, ठीक है, कमेंट करना, तुरंत कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम 90 डिग्री, ठीक है, पाई बाई टू पे बात करते हैं, ठीक है, पाई बाई टू। पाई बाई टू पे देखो, थोड़ा समझना पड़ेगा यहां पे, थोड़ा सा क्यों, पूरा समझ लेंगे सर, बहुत अच्छी बात है, पूरा समझ लो बेटा। चलो तो देखो, हमने यहां से एक एंगल सबटेंड करना शुरू किया, ठीक। आपको तो पता है कि ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है। यहां से मैंने एक एंगल को उठाया, ठीक, यहां से हमने उठाया, इसको हमने सबटेंड किया 90, हमको करना है, हम यहां तक लेके आए, ठीक, हम यहां से उठाए यहां तक लेके आए, ठीक। अब देखो, मान लो ये हमने उठा के यहां किया, हमारा ये आ गया यहां, ठीक, यहां हमने 90 सबटेंड कर दिया ऐसे, ठीक है। अब देखो हमारे पास, हमने एक यूनिट, मतलब एक, मान लीजिए एक सेंटीमीटर या फिर यूनिट डिस्टेंस का एक यहां से उठाया, इसको यहां सबटेंड कर दिया, तो हमारा जो ये था, हमने जो ये उठाया था यूनिट, यहां से यहां हो गया वन, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर, जो हमने इसको उठाया ये एक तरह से परपेंडिकुलर 90 डिग्री बन गया, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक। जो हमारा बेस था अगर मान लो भाई यहां पे हमने एक एंगल ले लिया, ठीक, यहां पे हमने एक एंगल ले लिया, ये हमारा परपेंडिकुलर बनता, ठीक, ये हमारा परपेंडिकुलर बनता, तो इसके रिस्पेक्ट में बेस हमारा इतना होता, ठीक, इतना होता। और अगर इसको और यहां लेके आते, मान लीजिए भाई यहां आ गए, ठीक है, यहां आ गए, तो इस पे, इसके रिस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर भाई यहां आ गया, ठीक, हमारा परपेंडिकुलर यहां आ गया, और हमारा बेस कहां गया, इतना हो गया, ठीक। अब यही चीज हमारा शिफ्ट होके सीधा वाई एक्सिस पे आ गया, ठीक, सीधा हमारा वाई एक्सिस पे आ गया, वाई एक्सिस पे आ गया, इसका मतलब बेस हमारा वाई एक्सिस पे ही है। जब बेस हमारा वाई एक्सिस पे है, इसका मतलब बी हमारा, यहां पे बेस हमारा जीरो है, परपेंडिकुलर जो हमारा वन यूनिट है, और हाइपोटेनस क्या होगा, जैसे हम जीरो डिग्री में बात किए थे नीचे, ठीक, जैसे हम जीरो डिग्री पे बात किए थे, वहां पे हमारा बेस इक्वल्स टू वन, परपेंडिकुलर जीरो हो गया था, और हाइपोटेनस इक्वल्स टू वन, सेम इसी तरह से यहां पे हाइपोटेनस इक्वल्स टू वन होगा, ठीक। परपेंडिकुलर हमारा वाई एक्सिस पे आ गया, तो बेस हमारा जीरो हो गया, ठीक है। अब यहां से कहां देखोगे, बेस नहीं देखिएगा ना, तो बेस हमारा जीरो हो गया, हाइपोटेनस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर के बराबर, ठीक है। अब देखो यहां पे साइन पाई बाई टू दैट इज इक्वल टू साइन 90 हमारा, साइन पाई बाई टू हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज इक्वल टू वन, ठीक। कॉस पाई बाई टू इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस जीरो अपॉन वन दैट इज इक्वल टू जीरो, टेन पाई बाई टू इक्वल टू टेन पाई बाई टू इक्वल्स टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, टेन पाई बाई टू दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू वन अपॉन जीरो का मतलब नॉट डिफाइंड। कोसेक पाई बाई टू
इक्वल्स टू कोसेक पाई बाई टू, मतलब कि हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर मतलब कि वन, ऐसे ही सेक पाई बाई टू दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपान बेस, ठीक है, हाइपोटेनस अपान बेस दैट इज इक्वल्स टू वन अपॉन जीरो, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड, ठीक, दैट इज नॉट डिफाइंड. उसके बाद कॉट पाई बाई टू, कॉट पाई बाई टू मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू जीरो अपॉन वन, दैट मीन्स जीरो, ठीक, ये हमने 90 डिग्री पे बात कर लिया, ठीक है, ये मैंने 90 डिग्री पे बात कर लिया. अब हम यहीं पे पाई की बात करते हैं, ठीक है, दैट इज 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री पे बात करेंगे, मतलब हम इस एक्सिस पे आ गए, निगेटिव एक्स एक्सिस पे आ गए, ठीक है भाई, निगेटिव एक्स एक्सिस पे आ गए. चलो पहले इसको मिटाते हैं, आ रहा है समझ में, बिल्कुल ईमानदारी से बताना भाई, बिल्कुल ईमानदारी, नो चीटिंग. चीटिंग करोगे ना तो डंडे से मार खाओगे. सर आप ऑनलाइन कैसे मारोगे, अपने पेरेंट्स को पास में बैठाओ, फिर मैं बोलूंगा ना मारिए सर, फिर वो मारेंगे. चलो एंगल पाई पे, ठीक है, पाई पे मतलब 180 डिग्री पे बात करते हैं. नहीं दिख रहा होगा, भूखा हो गया, इसको देखते हैं, भूख लग गई मेरे मार्कर को, इसको यहां लेते हैं, रुको यार इंक पिला देते हैं पहले. चलो देखो, हमने ये एक्सिस बना लिया, ये हमारा ओ है, पॉइंट ओ, ठीक, हमने यहां से एक एंगल सबटेंड करना शुरू किया, ठीक है, यहां से हमने सबटेंड करना शुरू किया. आपको तो ये पता होगा, ये हमारा जीरो है, ये हमारा पाई बाई टू है, ठीक, ये हमारा पाई है और ये हमारा थ्री पाई बाई टू है, ठीक है, थ्री पाई बाई टू है. अब देखो हमने यहां से एक एंगल सबटेंड करना शुरू किया, यहां से हम यहां पहुंच गए, ठीक, सेम वही वाली कहानी जैसा हमने जीरो डिग्री में और पाई बाई टू में किया था, ठीक, ऐसे ही कहानी है, यहाँ पे पाई हम पहुँच गए, ठीक, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए तो हम एक तरह से इसी एक्सिस पे आ गए, इसी एक्सिस पे आ गए तो हमारा है परपेंडिकुलर क्या हुआ, परपेंडिकुलर हो क्या हुआ, गुल हो गया, परपेंडिकुलर जीरो, ठीक, बेस हमारा क्या हुआ, अभी तक हम जब इधर थे, ठीक, कहानी सुनो, जब हम यहाँ थे तो ये हमारा वन यूनिट लेते थे, ठीक, वन लेते थे, जब इधर आ गए, इधर आ गए, ठीक है, निगेटिव एक्स एक्सिस में आ गए तो हमारा ये माइनस वन, ठीक, यूनिट लेंगे लेकिन इधर आएंगे तो निगेटिव होगा, ठीक, तो बेस हमारा निगेटिव वन, हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस वन होगा. सर हाइपोटेनस वन कैसे हुआ, जब हमारा बेस इक्वल्स टू माइनस वन है, यहाँ पे जब हमने लिया था, मान लेते हैं यहाँ पे आते हैं, ठीक, यहाँ पे नहीं, जीरो डिग्री पे, जब हम जीरो डिग्री पे थे तो यहाँ पे हमारा बेस वन था तो हमारा हाइपोटेनस वन था, यहाँ पे हमारा बेस जीरो था, पाई बाई टू पे बेस जीरो था, परपेंडिकुलर वन था तो हमारा हाइपोटेनस वन है, और यहाँ पे बेस हमारा जब जीरो है तो हाइपोटेनस हमारा वन कैसे हो गया, देख भाई कैसे हो गया, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा जीरो है प्लस बेस हमारा माइनस वन का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस इक्वल्स टू वन होगा ना भाई, समझ में आया ना, चलो अच्छी बात है, नहीं आया तो कमेंट करो.
ठीक, नहीं आया तो कमेंट करो। देखो ये समझ में आ गया हाइपोटेनस वन कैसे हुआ। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पे आओ, साइन पाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक, कॉस पाई इक्वल्स टू कॉस पाई इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज इक्वल्स टू माइनस वन, टेन पाई इक्वल्स टू टेन पाई दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक, दैट इज इक्वल टू जीरो, जीरो अपॉन माइनस वन दैट इज इक्वल टू जीरो। फिर कोसेक पाई इक्वल्स टू कोसेक पाई क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ठीक, सेक पाई इक्वल्स टू सेक पाई इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन बेस दैट इज इक्वल्स टू माइनस वन, कॉट पाई इक्वल्स टू कॉट पाई क्या होगा हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड माइनस वन अपॉन जीरो, ठीक, नॉट डिफाइंड। ये हमारी पूरी वैल्यू आ रही है। अब हम 3 पाई बाई 2 पे बात करेंगे और 2 पाई पे बात करेंगे, ठीक है, आ गया, नोट कर लो। चलो यहीं पे हम बात करते हैं 3 पाई बाई 2, इसको मिटा दें। चलो देखो अब हम यहां से चलते हुए एक एंगल बनाए 3 पाई बाई 2, ठीक, 3 पाई बाई 2 हमने एक एंगल बनाया। जब हमने एक एंगल बनाया तो हम यहां से चले यहां आ गए, ठीक, यहां से चले यहां आ गए, हमारा यहां पे क्या हुआ, ये हम यहां तक आ गए, ठीक, यहां से चलते हुए हम यहां तक आ गए, तो हमारे पास परपेंडिकुलर एक तरह से माइनस वन निगेटिव वाई एक्सिस में आ गए, ठीक, ये हमारा परपेंडिकुलर, ठीक, देख भाई ये हमारा परपेंडिकुलर, ठीक, यहां से यहां आप गए तो ये हमारा एक तरह से परपेंडिकुलर है, यहां से यहां आप गए तो ये हमारा बेस है, ठीक है, ठीक है, तो ये हम यूनिट लिए हैं, यूनिट हर जगह लेंगे, ठीक है, यूनिट हर जगह लेंगे, तो माइनस वन और बेस हमारा क्या हुआ, हम यहां यहां थे तो हमारा जो है हमारा बेस वन था, फिर यहां से जब यहां गए तो एक तरह से बेस हमारा घटते घटते जीरो हो गया, फिर यहां से हम यहां आए थे बेस हमारा माइनस वन हुआ, फिर यहां से हम यहां गए, ठीक, बेस अब हमारा जीरो हो गया, तो इस यहां पे जब हम आ गए तो यहां परपेंडिकुलर हमारा माइनस वन, बेस हमारा जीरो और हाइपोटेनस हमारा वन, ठीक है, हाइपोटेनस हमारा वन, उसी तरह से हाइपोटेनस हमारा वन होगा। यहां पे देखिए, ओ सॉरी सॉरी, एक मिनट, हिला तो नहीं ना, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। तो देखो साइन थ्री पाई बाई टू इक्वल्स टू साइन थ्री पाई बाई टू क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक, कॉस थ्री पाई बाई टू इक्वल्स टू जीरो, फिर टेन थ्री पाई बाई टू दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, कोसेक थ्री पाई बाई टू दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर माइनस वन, सेक थ्री पाई बाई टू दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन बेस नॉट डिफाइंड, ठीक, आ रहा है ना भाई, वैल्यू को देखो और पुट करते जाओ, कॉट थ्री पाई बाई टू इक्वल्स टू कॉट थ्री बाई थ्री पाई बाई टू मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक, थ्री पाई बाई टू पे हमने बात कर लिया, अब टू पाई पे आ जाओ, हम यहाँ पे जीरो थे, टू पाई बाई टू हुए, फिर पाई हुए, थ्री पाई बाई टू हुए, आई एम रियली सॉरी,
फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं, तो एक कॉल आ गया था जिसकी वजह से वीडियो रुक गया। तो फिर से हम आगे बढ़ते हैं। हम 3π/2 पे बात कर लिए थे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को दे दिए थे, ठीक है। इसके बाद 2π पे हम बात करेंगे, ठीक है। 2π पे बात करेंगे, ये हमारा ज़ीरो। अभी तक हम 0 से π/2, π/2 से पाई और π/2 से 3π/2 तक बात कर लिए। अब हम यहाँ से 2π पे चलेंगे, ये ठीक है, यहीं पे हमारा 2π होता है, ठीक है। हम यहाँ से चलेंगे ही नहीं तो वो ज़ीरो। जब हम एक सर्किल पूरा कंप्लीट कर लेंगे, एक सर्किल पूरा कंप्लीट करेंगे तो ये हमारा 2π होगा, ठीक है, 2π होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है, घूम के एक चक्कर यहाँ आ गए, ठीक, यहाँ आ गए, तो यहाँ से हमारा बेस इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या हुआ इसका, इसका परपेंडिकुलर क्या हुआ, गुल हो गया, हाँ भाई गुल हो गया, परपेंडिकुलर है ही नहीं, इसमें बेस हमारा 1 हो गया। तो यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 0, बेस इक्वल्स टू 1, हाइपोटेनस इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये होगा। अब देखो, हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को निकालते हैं, साइन 2π इक्वल्स टू साइन 2π परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज इक्वल्स टू 0, कॉस 2π इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज इक्वल्स टू 1, टेन 2π इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल्स टू 0, कोसेक 2π दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर नॉट डिफाइंड, ठीक, नॉट डिफाइंड, सेक 2π इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन बेस दैट इज इक्वल्स टू 1, और cot 2π इक्वल्स टू cot 2π दैट इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक। एक सवाल मन में आ रहा होगा कि सर ये नॉट डिफाइंड ये वैल्यू ये क्यों आ रहा है, ठीक है, हम इसको नॉट डिफाइंड क्यों कह रहे हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है बच्चा, देखो क्या है, 0/1 इक्वल्स टू 0 होता है हमारा, ठीक है, 0/1 0 होता है, यह वैल्यू एक तरह से यह वैल्यू हमारी सबको 0 कर देती है, ठीक, और 1/0 जो है, ठीक है, 1/0 जो है यह हमको इनफाइनाइट की तरफ ले जाती है, ठीक है, ये वैल्यू हमको इनफाइनाइट की तरफ ले जाती है, इसलिए हम कहते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। कॉस 2π हमको कहाँ तक लेके जाएगा कोई अंदाजा नहीं है, ठीक है, इसलिए हम उसको नॉट डिफाइंड कहते हैं, ये हमको इन्फिनिटी के तरफ ले जाता है, तो ये हम लिखते हैं इसको नॉट डिफाइंड, ठीक है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, हर एक टाइप के ग्राफ, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, इन सब के ग्राफ के बारे में बात करेंगे। जैसे हम फंक्शन में मॉड फंक्शन, इंक्रीजिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन और स्क्वायर फंक्शन, क्यूब फंक्शन, इन सब के बारे में बात किया, ऐसे ही हम सेम इसी तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 यहीं पे समाप्त करेंगे। लेक्चर नंबर 5 में हम ग्राफ के ऊपर बात करेंगे। लेक्चर नंबर 6 में हम क्वेश्चंस करेंगे, अब तक जितना हम पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में लेक्चर 1 से लेक्चर 4 में जितना हम पढ़ेंगे उसके बारे में क्वेश्चन की बात करेंगे लेक्चर नंबर 5 में। फिर लेक्चर नंबर 6 से हम
आगे बढ़ेंगे, आइडेंटिटीज के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ के साथ।